हमने ये कह दिया कि बी डी स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हमने गिवन में एक बात और कही थी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो हमारे पास सी स्केयर की इक्वल है, ठीक है। ये बात हमने गिवन में कही थी ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू सी स्केयर। तो हम जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो बी डी का स्केयर है वो इक्वल है किसके, सी स्केयर के इक्वल है, ठीक है। तो स्केयर रूट लें, या हम ये भी कह सकते हैं कि बी डी हमारे पास इक्वल है सी के। नाउ ट्राइंगल डी सी बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए सी बी। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डेंस ले लिया, ठीक है। उसमें हम अब देखते हैं सी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ए। ये हमने बात किस में कही है, कंस्ट्रक्शन में कही है कि सी डी को हमने इतने ही एक्सटेंड करना है जितने का सी ए का डिस्टेंस है। बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन चीज़ है दोनों ट्राइंगल्स में। देखें बी सी इसका कॉन्ग्रुएंट है बी सी इसके, ठीक है, परपेंडिकुलर दोनों के साथ कॉमन है इसलिए कि हमारे पास कॉमन आ गया। डी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ईच साइड इक्वल्स टू सी, ठीक है। डी बी हमारे पास, डी बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ए के, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है बी डी किसकी इक्वल है सी के, तो हमारे पास ए बी किसकी इक्वल है सी के, दोनों हमारे पास क्या आ गए सी के इक्वल है इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इन तीनों साइड से हमारे पास जो है ट्राइंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी बी के, ठीक है। साइड 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 पॉजिटिव, साइड 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 इक्वल्स टू साइड साइड साइड। एंगल डी सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ठीक है। जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास जो ट्राइंगल जो एंगल डी सी बी है, ठीक है, और जो एंगल ए सी बी है वो दोनों भी क्या होंगे हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि मैंने डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, हमें ये पता है कि जो डी सी बी है वो कितना है हमारे पास 90 डिग्री का, क्योंकि हमने कहा था कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर ये 90 का है तो फिर हमारे पास ए सी बी भी कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ठीक है। हैंस ट्राइंगल ए सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर उसका एक एंगल 90 का है तो वो पूरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल।